संभल हिंसा पर सियासत गर्मा चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल जाएगा। 12 सदस्य प्रतिनिधि मंडल संभल का दौरा करने वाले हैं। इसके बाद तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। घटना की जानकारी नेताओं का डेलीगेशन लेता हुआ नजर आएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संभल सांसद की मौजूदगी यहां पर होने वाली है। बता दें कि अखिलेश यादव को एक रिपोर्ट बनाकर सपा नेता यहां पर सौंपेंगे। तो 12 सदस्य प्रतिनिधि मंडल आज संभल का दौरा करने वाले। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और इसके अलावा संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इस दौरान शामिल रहेंगे। और इस पूरी घटना को लेकर दरअसल एक रिपोर्ट कार्ड यहां पर तैयार की जाएगी, जो कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को ये नेताओं का डेलीगेशन सौंपता हुआ नजर आएगा। तो घटना वाले दिन क्या हुआ, ये हिंसा भड़की या भड़काई गई अपने तरीके से, यहां पर दरअसल समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो यहां पर मुआयना करने के लिए एक तरीके से आप समझिए कि पहुंचने वाले हैं। चूंकि संभल हिंसा को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाएगा और दौरा भी करने वाला। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, एक तरफ राजनीति अपने चरम पर है इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिनमें तकरीबन 12 नेता होंगे, सभी लोग आज संभल पहुंचेंगे। घटना की जांच पड़ताल ये लोग करेंगे और एक रिपोर्ट कार्ड बना के अखिलेश यादव को ये लोग सौंपते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया है, उन्होंने आदेश दिया था कि जो भी कोई बाहरी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक या प्रतिनिधि कोई भी जिले में बिना अधिकारी की अनुमति के प्रवेश नहीं करेगा। सभी के लिए जो बाहरी व्यक्ति आने जाने थे उन पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। डीएम ने कल ही राजेंद्र पैंसिया, उन्होंने कल ही निर्देश दिए थे कि अगर बाहरी व्यक्ति कोई यहाँ पर आएगा या कोई प्रतिनिधि आएगा तो वो बिना अधिकारी के समक्ष, बिना अधिकारी के निर्देश के अनुसार जनपद में प्रवेश नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने, जो संभल के एसपी हैं, उन्होंने भी बताया कि जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इस तरीका से, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ के सदर जामा मस्जिद के जफर अली थे, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि पुलिस ने गोली चलाई थी, पुलिस ने उनको सीधे गोली मारी थी। अगर वो गोली मार ही रहे तो पैर में गोली मार देते, सीने में गोली क्यों मारी, उनकी जान चली गई। तो उन्होंने, जफर अली ने इस तरीका से मीडिया के सामने बयान दिया था। वहीं संभल एसपी और डीएम ने रात करीब 7 बजे उन्होंने ये प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, जफर अली के द्वारा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्होंने उनसे पूछताछ की गई थी। तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीका से अगर भड़काऊ नहीं देते तो उनके ही समाज के लोग उन पर आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं तुम प्रशासन से मिले हुए। तो कहीं ना कहीं ये संभल डीएम ने जो निर्देश दिया कि बिना आदेश के, बिना उसके, जो भारी व्यक्ति हैं, कहा चाहे जनप्रतिनिधि हो, कोई भी बिना उनके अंदर जनपद में प्रवेश नहीं करेगा। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तरफ संभल हिंसा को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, अज्ञात लोगों के खिलाफ बड़ी मात्रा में यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीति के लिहाज से यहां पर देखा जाए तो तमाम अलग अलग लोगों के बयान भी सामने आए हैं सत्यपाल। और इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है, तो एक के बाद एक विपक्ष की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं स्थिति को एक बार फिर से तनावपूर्ण में लाने की ये आशंका पुलिस की भी ओर से जताई गई है। जी मैं बता दूं आपको, संभल एसपी और डीएम डीआईजी के द्वारा शांति व्यवस्था को लेकर कस्बे में फ्लैग मार्च कर अपील भी की गई। तो उनसे, उन्होंने कहा किसी की अफवाह पर ना आए, इसलिए अफवाह की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जो अफवाह उड़ाई जा रही थी, तमाम इस तरीका की पोस्ट दिखाई जा रही है, उसकी तरीका से संभल डीएम ने 24 घंटे के लिए नेट बंद कर दिया गया था। और इसी को लेकर के जो संभल डीएम एसपी है, उन्होंने बताया कि इस तरीका से जो अफवाह उड़ा रहे हैं और जो इस तरीका से जो हिंसा उड़ा रहे हैं, उनका एसपी का कहना है जिन्होंने जो उपद्रवी है उनको उकसाया और जिन्होंने इस तरीका का जो हिंसा कराई उनकी तह तक पुलिस जा रही है, पूरे तरीका से जांच पड़ताल कर रही है। एसपी का कहना है कि अगर किसी भी प्रकार से जो हिंसक है और जो उपद्रवी है उनको उकसाने वाले हैं और जिस तरीका से उनकी जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनसे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए, जांच पड़ताल की बात कही जा रही है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी के चूंकि नेता मौजूद रहेंगे, देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें तब निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।